Assalamualaikum and welcome back to Catered's monthly market digest for the month of May 2023, जिसमें हम महीने की important events और key highlights discuss करेंगे। मई 2023 के महीने में KSE 100 इंडेक्स 0.6% मंथ ऑन मंथ बेसिस से डिक्रीज हुई है और 41,331 पॉइंट्स पे क्लोज हुई है। एवरेज वॉल्यूम 38% से इंक्रीज हुए हैं लो बेस इफेक्ट की वजह से। महीने की शुरुआत में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की अरेस्ट की वजह से काफी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी देखने को मिली, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स मार्केट से दूर रह रहे। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से पार्टी की स्ट्रेंथ और इलेक्शन कैंपेन को काफी नुकसान पहुंचा। अब क्योंकि पॉलिटिकल फ्रंट पे थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है, तो हमने देखा है कि पिछले हफ्ते में मार्केट ने काफी इम्प्रूव किया है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से पाक रुपी पे प्रेशर पड़ा और डॉलर का रेट जो है वो 300 तक पहुँच गया था। पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस पिछले दो महीनों से सरप्लस रिकॉर्ड हो रहा है इंपोर्ट कंट्रोल की वजह से, जो कि पिछले साल से 40% कम है। पाकिस्तान को जून 2023 तक 3.7 बिलियन की अदायगी करनी है, जिसमें से एक्सपेक्टेड है 2.7 बिलियन डॉलर रोल ओवर हो जाएंगे। अगर हम IMF प्रोग्राम की डेवलपमेंट्स की बात करें तो अथॉरिटी ने दो कंडीशंस लगाई हैं। पहली चीज़ वो चाहते हैं कि हम इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को ईज ऑफ करें और दूसरी चीज़ वो चाहते हैं कि हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की पॉलिसी को अडॉप्ट करें। हमें लगता है कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को कम होने के बाद इंटरबैंक और ओपन मार्केट की रेट की गैप कम हो जाएगी। फेडरल बजट की अनाउंसमेंट करीब आने वाली है और मार्केट की डायरेक्शन इस बजट की प्रपोजल पर डिपेंड करती है। गवर्नमेंट का प्लान है कि वो फेडरल बजट की आउटलाइन जो है वो IMF के साथ शेयर करेगी, ताकि उनको मालूम हो कि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। हमारी तरफ से ये सोचे कि IMF को ऐसा बजट चाहिए होगा जो हमारी टैक्स बेस बढ़ाए और सब्सिडीज और एक्सपेंडिचर्स को कम करे। नेक्स्ट बजट में प्रपोज किया गया है कि कंपनीज के रेवेन्यू रिजर्व्स पे टैक्स लगाना चाहिए। कंपनीज इमरजेंसी मीटिंग कॉल करें या तो रेस कैपिटल बढ़ाने के लिए, जो कि हिंट देता है कि वो बोनस इशू करेंगी अपने रेवेन्यू रिजर्व्स को कम करने के लिए और टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग K-Trade मंथली मार्केट डाइजेस्ट। यू कैन एक्सेस मोर अपडेट्स ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।